जिन्होंने अपने बेटे भाई और लखते जिगर वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिए। पाक फौज और सिक्योरिटी अदारों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पूरी कौम इनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। 9 मई को चंद इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हुए जिनकी मजम्मत तमाम पाकिस्तानी कौम करती है और कर रही है। ऐसे वाकयात कभी भी किसी भी मुल्क के हक में नहीं होते। मजबूत फौज मुल्क की सलामती की जामिन है। हमारा रवायती दुश्मन, हमारा हमसाया भारत हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, जिसका मुकाबला इस मुश्किल माशी हालात में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज और हमारी अफवाज बहरी और बरी तमाम अफवाज कर रही हैं। मैं जिना हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस लाहौर, जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमलों की मजम्मत करता हूँ। आखिर में, जैसा कि आपको मालूम है, मैं 2021 मार्च में बलूचिस्तान से इंडिपेंडेंट आज़ाद हैसियत में सेनेट के इलेक्शन में कामयाब हुआ, सेनेटर इलेक्ट हुआ। मुझे इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, पीटीआई के दोस्तों ने और बाकी मेरे दोस्त मेंबरान असेंबली ने सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में मैं कामयाब हुआ। और मैं इस वक्त भी अपनी इलेक्शन कमीशन और सेनेट में एज अ इंडिपेंडेंट सेनेटर अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। कामयाबी के बाद मैं इस्लामाबाद आया और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मिला और इमरान ख़ान को मैंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पीटीआई के वोट्स मुझे मिले।